खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर लॉकडाउन होने के बावजूद लोगों का बिना जरूरी काम सड़कों पर घूमना लगातार जारी है। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 200 वाहनों का चालान काटा और दो पहिया वाहनों को जब्त किया। सीआई रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, इसके बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक पुलिस ने कितनी कार्रवाई की और कितने वाहनों को जब्त किए, थोड़ी जानकारी। लॉकडाउन की अवधि में अब तक पुलिस द्वारा 200 गाड़ियां डिटेन की गई है व 60 गाड़ियों के चालान बनाए गए हैं और 10 आदमियों को उल्लंघन में 151 में गिरफ्तार किया गया। सर, आगे भी कोई कार्रवाई चल रही है क्या, ऐसे नहीं पालन कर रही?